भापरौदा से पत्रकार दीपक सैनी की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भापरौदा में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वल योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, खेलों में अटल पेंशन योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना लाभकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इंडिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन योजना, आयुष्मान भारत इत्यादि पर विशेष जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि श्री सतनूर सिवाच जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आमजन योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर सूत्रों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में भापरौदा संघपच पूनम देवी व राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला छारा टू से प्रिंसिपल श्रीमती विजय लक्ष्मी भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने से ही लोगों को इन योजनाओं का लाभ सही प्रकार से मिल सकता है। कार्यक्रम के आरंभ में स्कूली छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता में ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व दिखाया व मुख्य समारोह में स्कूली छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी पेश की गई, जिसमें बेटी बचाओ संबंधित नाटक भी बेहतरीन प्रस्तुति भी दी। इस कार्यक्रम की यहाँ गर्ल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है, पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें 20 बच्चों ने भाग लिया है और जो जो हरियाणा सरकार की भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके ऊपर पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ साथ खेलों की भी प्रतियोगिता करवाई गई है। खेलों में लगभग 10 इनाम हमने रखे हैं जो बच्चों को दिए जाएंगे। इसमें दौड़ करवाई गई है लड़कियों की, मटका रेस करवाई गई है, नींबू रेस करवाई गई है और लंगड़ी टांग की रेस करवाई गई है। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं स्कूल में, उनमें बच्चों की कल्चरल एक्टिविटी है जिसमें स्किट प्रतियोगिता रखी गई है, डांस का प्रोग्राम रखा गया है और डांस के प्रोग्राम में हमारी 3 टीमें हैं। हमारी टीमें ब्लॉक लेवल के ऊपर भी फर्स्ट रही है, क्विज में हमारी टीम ब्लॉक लेवल के ऊपर भी फर्स्ट आई है। ये पूरा का पूरा जो आयोजन है इसमें फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर हमारे साथ आए हैं और ये भारत सरकार की तरफ से जो प्रसार मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा वो यहाँ आयोजित कर रहे हैं और इन्होंने इनाम रखे हैं। सर, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में एक कंपटीशन की भावना पैदा करना और एक दूसरे प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना और बच्चों में विशेष गुणों का जो छुपे हुए गुण हैं, प्रतिभाओं को उजागर करना, उनको अलग से उभार कर लेके आना। सर, इसकी जो कार्यक्रम किया गया है, जो हरियाणा सरकार का क्या उद्देश्य रहेगा आगे आगामी बच्चों को लेकर इस तरह के? हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया योजनाएं चला रखी हैं, इसमें बच्चों किस उद्देश्य से बनाई है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? सर, इस पेंटिंग से हम यह दर्शाना चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चे किसी भी फील्ड में, खासकर खेलों में पीछे नहीं है। नाम आपका? वंदना। क्या नाम बेटा आपका? सर, निकिता। इस पेंटिंग के जरिए आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? सर, इसके माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि बेटियों को कभी भी भ्रूण में मारना नहीं चाहिए, उन्हें हमें बचाना चाहिए और ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है और बेटियां बेटों से किसी भी फील्ड में कम नहीं है, इसलिए हमें उन्हें भ्रूण में नहीं मरवाना चाहिए। सर, बताइए जो आपने पेंटिंग बनाई है, क्या है इस पेंटिंग का उद्देश्य? सर, मैं इस पेंटिंग से अपने देश की मुद्रा दिखाना चाह रही हूँ और ये योजना प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्या योजना थी जो आप बनाई? जन धन योजना, पूंजी सफलता की। सर, मेरा नाम शीतल है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भापरौदा से हूँ और ये मेक इन इंडिया, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है और इसके द्वारा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया में जितना भी सामान है हम उसी का इस्तेमाल करके हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये पेंटिंग बताएं बेटा, ये जो पेंटिंग बनाई है इसका क्या उद्देश्य, क्या संदेश है? उद्देश्य है कि बिजली बचाएं, यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना चलाई है कि सब घरों में बिजली पहुंचे, ताकि जिन घरों में बिजली नहीं पहुंचती उनमें बिजली पहुंच पाए और जिससे हर घरों में रोशनी का प्रबंध हो, यह योजना पर। क्या नाम आपका? सर, राखी। बेटा। सर, मेरा नाम नेहा है। सर, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भापरौदा से हूँ। सर, मैं इस पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पेड़ पौधों के वेस्ट से हम ऊर्जा को बचाएं और फ्री है। मेरा नाम ये सूक्ष्म बीमा योजना जो आपने पेंटिंग बनाई, इसका क्या हो? यह श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई है, इससे हमें लोग सुरक्षित रह सकते हैं, इसीलिए इस बीमे को लागू किया गया है जिससे अगर लोग इससे लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हूँ। मैं इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाना चाहती हूँ कि ये एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है, यह एक
यह फ्री प्रदूषण है जिससे जैसे कि खोपले ईंधन द्वारा हम जो लकड़ी काट कर जलाते हैं उससे बहुत ही प्रदूषण फैलता है और ये प्रदूषण फ्री है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता और इसके अतिरिक्त सभी ग्रामवासियों को यह प्रदान की गई है।